बाकी मैं आमिर दूसरा माइक दे रहे हैं या चलो कल ठीक है। थोड़ी देर बोल दीजिए, नमाज का तो वक्त है ना। अच्छा जी, एमकेएम पाकिस्तान राबता कमेटी के अराकीन और खालिद मुगुल सिद्दीकी भाई सरबरा कन्वीनियर एमकेएम पाकिस्तान, मुस्तफ़ा कमाल भाई अब तक सरबरा पाकिस्तान सरजमीन पार्टी पाक सरजमीन पार्टी और यहाँ एम के एम ओ आर सी के जो और मरकजी कमेटी के अराकीन राबता कमेटी के अराकीन मुस्तफ़ा भाई की कैबिनेट के अराकीन और तहरीक एम के एम के कारकुनान और साथी जो यहाँ मौजूद हैं, मेरे हैदराबाद से भी बड़ी तादाद में जो साथी यहाँ तशरीफ़ लाए हैं वसीम हुसैन भाई के साथ, मीडिया के दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ख़ास तौर पर जो मीडिया यहाँ पर मौजूद है और मुसलसल कई दिनों से एमक्यूएम पाकिस्तान के मुख्तलिफ धड़ों या फैक्शंस की रीयूनिफिकेशन के अमल को सिर्फ सिंध के शहरों तक नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अवाम और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मुकीम है वहाँ तक पहुँचा रहा है। मैं मीडिया की यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में मौजूदगी और अब तक उन्होंने जिस तरह इस अमल को कवर किया है, मैं मीडिया हाउसेज उनके मालकान उनके मुदीरान उनके जो फील्ड रिपोर्टर्स ब्यूरो चीफ मैं उन सब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम आते हैं 12 जनवरी 2023, ये सिर्फ सिंध के शहरों पूरे सिंध और पाकिस्तान के लिए अहमियत का हामिल दिन नहीं है, ये पाकिस्तान के मौजूदा सियासी बहरान पाकिस्तान के मौजूदा माशी बहरान में बाकी सियासी जमातों के किरदार के सामने जो सिंध के शहरों में मुनकसिम क़यादत थी जो मुंतशिर क़यादत थी ये उनकी सियासी मैच्योरिटी उनकी सियासी बुर्दबारी और पुख्तारी पुख्तगी का मुजाहरा है कि आज पूरे मुल्क के सियासी और माशी बहरान में पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम को अगर उम्मीद की कोई किरण नज़र आती है तो वो एमकेएम पाकिस्तान के इस मरकज़ में जो आज हम इस पार्क में बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हमारे जो भी फरोही जो भी खिलाफात थे उनको एक तरफ रख के आज एक मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक एमक्यूएम पाकिस्तान कायम करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में ये पूरे पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम के लिए हवा का ताज़ा झोंका है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक मैसेज है। मकसद क्या है कि जो कराची का बिलखसूस कौमी किरदार रहा है, अगर हम ये दावा करते हैं ये मिनी पाकिस्तान है, यहाँ हर जबान बोलने वाला पाकिस्तानी है, यहाँ हर इलाके का पाकिस्तानी है, तो जो मुझे नज़र आ रहा है बड़ी सियासी जमातों का रवैया कि जिस तरह दस्तो गरेबान है जिस तरह उन्होंने मुल्क को हाईजैक किया हुआ है, चाहे आप पंजाब को देखें कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है नहीं लेना है, अदालतें बीच में कूद गई हैं, जो माशी बहरान है, अरे 10 अरब डॉलर का जनेवा से एक तोहफा आ गया,
हमारी गैरत पे एक और सवाल आ गया तो हम ये कह रहे हैं कि बड़ा तीर मार लिया। खुदा की कसम, कराची और MQM जो मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों की सियासी जमात है, उसे अगर मौका दिया जाए इस मुल्क में पाकिस्तानी कौम की तश्कील का, कौम साजी का, तो ये $10 अरब अकेला कराची आपको कमा कर दे सकता है। किसी और का दस्ते नगर आपको बनने की जरूरत ही नहीं है। हम उस कमी को इंशाअल्लाह ताला पूरा कर देंगे। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये पूरे मुल्क में पैगाम जाना चाहिए। और हम कर क्या रहे हैं, मेरे ख्याल में हमें अब माजी में ये हमें जवाब देना भी नहीं है, हमें इसका जवाब बताना भी नहीं है। इंशाअल्लाह ताला 12 जनवरी 2023 और उसके बाद हमारा अमल बताएगा कि हम आज क्यों जमा हुए, हम क्यों यकजा हो रहे हैं और MQM पाकिस्तान को हम एक मरतबा फिर इस तकसीम और इंतशार से बाहर निकालकर पूरे मुल्क के लिए एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल बना रहे हैं, ये हमारा अमल बताएगा। हमें अपने माजी को डिग नहीं करना, हमने जो माजी में अमल किया, सही किया, गलत किया, उसका हमें जवाब भी नहीं देना। आज जिस सियासी मैच्योरिटी की जरूरत है, जो मेरे साथी अगर आज भी अगर कहीं पर पाकिस्तान से बाहर भी देख रहे हैं तो उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हमें यहां पर एक मुत्तहिद मुनज़्ज़म मुतहर्रिक MQM बनानी, एक रीब्रांडेड MQM, एक रिफॉर्म्ड MQM, एक ऐसी MQM जो माजी की लेगेसी, जो छाप लगी हुई है हम पर, हमें उस छाप से अपने आप को बहुत अलग करके दूर ले जाना है मुस्तकबिल में, माजी से निकालना। हमने तो 22 अगस्त को जो कुछ हुआ था, हमने तो 23 अगस्त को करके दिखाया था। पूरी MQM पाकिस्तान को माजी से अलग किया, उसकी लेगेसी से अलग किया और ये अलम उठाया कि एक साफ सुथरी पढ़े लिखे लोगों की, तहजीब याफ्ता लोगों की, नफीस लोगों की MQM से बनाएंगे। फिर साजिशें हुई बाहर से भी और अंदर भी, कहीं ना कहीं हमारी गलतियां थी, कहीं ना कहीं हमारे सख्त गिर मौकिफ थे, कहीं ना कहीं हमारी कोताहियां थी। तो आज जब हम जमा हुए हैं और हमें यह एहसास हो रहा है कि यह तकसीम जहर कातिल थी, सिर्फ MQM देखे, अगर MQM का वोट बैंक तकसीम हुआ, MQM की सीटें छीन ली गई, MQM पाकिस्तान तकसीम हो गई, लेकिन अगर कोई और इस खला को पूरा कर देता, एक तंजीम, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक नेटवर्क बन जाता, एक तहरीक बन जाती, एक नजरियाती सियासी अमल बन जाता, तो शायद मैं अजान के लिए वक्फा देता हूं। MQM पाकिस्तान के सरबरा खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में 3 ग्रुप इस कॉन्फ्रेंस की सूरत में हो रहा है। गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि गुज़िश्ता 5 साल से सिंध के शहरी इलाकों के साथ रवैये, मरदम शुमारी, हल्का बंदी, वोटर लिस्ट, नौकरियां, शनाख्त, पहचान, इज़्ज़त नफ्स, ये सब जद में रहे। उन्होंने कहा कि 5 साल में MQM अपील करती रही और दावत देती रही कि हालात संगीन से संगीन तर हो रहे हैं, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम तमाम लोग अपनी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। उन्होंने कहा कि कराची को मिनी पाकिस्तान बोला जाता है, हम सबको हालात की संगीनी का इल्म है। तमाम कारकुनान को बहादुराबाद आने पर उन्होंने शुक्रिया अदा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हम सब से मुश्तरक कोशिशें और काविशें रंग ला रही हैं। तकसीम दर तकसीम के बाद MQM के धड़े फिर से एक हो रहे हैं। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे और पाकिस्तान बचाने की जिम्मेदारी सबसे ज़्यादा वो ख़ुद पर आयद करते हैं। मुस्तफ़ा कमाल जो कि PSP के सरबरा हैं, उन्होंने भी गुफ्तगू की और उन्होंने ऐलान किया कि हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ हिजरत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज का दिन अहम है और आज के दिन ऐसे फ़ैसले होने जा रहे हैं जो समझ में नहीं आने वाले। इस शहर को हमने आज़ाद कराया रॉ के तसल्लुत से, और उन्होंने कहा लेकिन
इसलिए नहीं करवाया था कि आसिफ अली जरदारी इस पर कब्जा कर लें। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने ये भी कहा कि सबको मालूम है कि आसिफ अली जरदारी बिलावल को वज़ीर आज़म बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर ऐसा करना है तो कराची और हैदराबाद के शहरियों की दादरसी करना पड़ेगी। मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से आसिफ अली जरदारी को मुखातिब करके बारहा तनकीद का निशाना बनाया गया। उसके बाद फारूक सत्तार ने गुफ्तगू का आगाज़ किया और कहा कि मौजूदा सियासी और मौशी बहरान में MQM उम्मीद की किरण है। उन्होंने कहा कि हमारा अमल बताएगा कि हम क्यों मुत्तहिद हो रहे हैं, हमें तकसीम और इंतशार से निकलना होगा। फारूक सत्तार का ये भी कहना था कि पूरे पाकिस्तान को MQM से उम्मीदें हैं और जिस दौरान MQM के धड़े बने और हम सब तकसीम दर तकसीम होते रहे, उस दौरान कोई ऐसी जमात ऐसी तंजीम उभर कर सामने नहीं आई जिसने इस खला को पुर किया हो। इसलिए हमें ज़रूरत महसूस हुई कि हमें मिलना होगा और कराची शहर के लिए कुछ करना होगा। फारूक सत्तार का कहना था कि सियासी जमातें बाहम दस्तों के रबा हैं, सियासी जमातों ने पाकिस्तान को हाईजैक कर रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा अमल बताएगा कि हम क्यों मुत्तहिद हो रहे हैं। जनेवा से 10 अरब डॉलर की इमदाद मिल गई, MQM को मौका दिया जाए तो कराची 10 अरब डॉलर कमा कर दे सकता है क्योंकि कराची मिनी पाकिस्तान के तौर पर जाना जाता है। बारहा वो इस बात पर जोर दे रहे थे कि वक्त बताएगा कि हम क्यों मुत्तहिद हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमें तकसीम और इंतशार से निकलना होगा और MQM को उम्मीद की किरण करार दिया। उनका कहना था कि मौजूदा सियासी और मौशी बहरान में MQM पाकिस्तान उम्मीद की किरण साबित होगी। MQM धड़ों का मुत्तहिद होना आवाम के लिए ताज़ा हवा का झोंका है। मुस्तफ़ा कमाल ने भी गुफ्तगू की और वो सब इस बात पर मुत्तफिक थे कि हम खालिद मकबूल सिद्दीकी के अंडर काम करेंगे, मैंडेट तकसीम और साजिश करने वालों को जवाब दिया जाएगा। मुस्तफ़ा कमाल का PSP को MQM में जम करने का ऐलान सामने आया और उन्होंने कहा कि हम पाक सरजमीन पार्टी से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की तरफ हिजरत कर रहे हैं। तो अब एक पार्टी, एक परचम और एक इंतखाबी निशान पर ये सब मुत्तहिद हो चुके हैं। आइंदा के लाहे अमल में किस तरह से आगे बढ़ा जाएगा, इससे मुतालिक भी वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देंगे। जमात अगर अदा करनी हुई और अगर मुझे पढ़ानी हुई तो मैं नमाज पढ़ा दूंगा या मुस्तफा कमाल भाई पढ़ा देंगे इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में ये भी जो हम बात कर रहे हैं, ये गुफ्तगू इंतहाई अहमियत की हामिल है कि देखिए हम 23 अगस्त को अगर वहाँ से लकीर खींची गई तो हमने भी लकीर खींच दी। उसके बाद मुझे अपने किसी अमल की कोई सफाई नहीं देनी। मुझे 22 अगस्त या उससे पहले क्या हुआ मुझे उसमें भी नहीं जाना। मुझे ये बताना है कि अगर मैं 23 अगस्त को अलग हो गया तो फिर जो 22 अगस्त का मुकदमा था वो आज तक कोर्टों में क्यों लटक रहा है। 22 अगस्त में हमें भी उन मुकदमों में उलझाकर फिर किसने रखा हुआ है। फैसला अदालतों को करना है, फैसला रियासतों को करना है, फैसला हुकूमतों का करना है। जो हमने फैसला करना था खालिद मकबूल भाई, हम 23 अगस्त को वो फैसला कर चुके हैं। फिर हम किसी और डिटेल में या बहस में जाएं, कम से कम ये मेरा, मैं समझता हूं कि जर्फ नहीं है कि मैं हम किसी इस तरह की तफसील में जाएं। अब अगर हम बानियाने पाकिस्तान और उनकी मौजूदा नस्ल है तो हमने ये फर्क करके बता दिया कि पूरे मुल्क से क्या सदा आ रही है, पूरे मुल्क में क्या सियासत हो रही है। पोलराइजेशन, सियासी कशीदगी, इख्तदार इख्तदार इख्तदार, इसके अलावा कुछ नहीं। और 10 अरब डॉलर का कर्जा जो कि जेनेवा से उठाकर लाया गया, ये पाकिस्तान का मुकद्दर है। और हम यहां बता रहे हैं कि कराची को एक मौका दो, हमें हमारा कौमी किरदार अदा करने दो, MQM को उसका कौमी किरदार अदा करने दो। कसम खुदा की पूरे मुल्क में एक मिडिल क्लास पढ़े लिखे नौजवानों का सियासी अमल और क़यादत हम अगले चंद महीनों और चंद सालों में ना दें तो जो खालिद भाई, मुस्तफ़ा भाई, जो मेरी वही सजा जो चोर की सजा। तो मैं ये दावा इसलिए कर रहा हूँ कि ये पोटेंशियल है। हमारे आबा अजदाद ने पाकिस्तान बनाया था भाई, मेरे अजदाद की कुर्बानियों का, ये गाड़ियां हटवा दे भाई, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, ये BPR 664, BDT 841, BHN 370, अल्लाह ताला हमारे किसी भी साथी को आज जज्बात से मगलूब होकर उसने अगर दिल पकड़ लिया अपना, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे, उसको सेहत दे, ये गाड़ियां बराए करम रास्ते में इसको हटा दें। तो मैं ये कह रहा हूँ कि देखें चैलेंजेस, देखें माशी बहरान,
मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। मुस्तफा कमाल भाई ने बहुत सारी बातें कराची और सिंध के शहरों के मसाइल, और कराची हैदराबाद नहीं, सक्कर, नवाबशाह, मीरपुर खास, और फिर आगे जाएं तो लाड़काना और दीगर शहरों की भी क्या हाल, क्या हालात है। 1300 अरब रुपए जिस सूबे के 1000 अरब मरकज से मिलते हों, हम 4000 अरब रुपए सालाना देते हैं कराची वाले, और हमें 40 अरब की खैरात मिलती है। ये तभी होगा कि जब हम एक आवाज होकर यहां से निकलकर इंशाअल्लाह ताला, खालिद भाई ने कहा ना कि जब ऐवानों में फैसले नहीं होंगे तो रोड पर होंगे, तो भाई रोड पर जब होंगे, जब इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धरना एमेजिना रोड पर नहीं, शाहराए फैसल पर हम करके दिखाएं इंशाअल्लाह, फिर हम देखते हैं कि ये 5 जनवरी का इलेक्शन कैसे होता है। 15 जनवरी का जो ये ऐलान हुआ है, हमारी नजरें इससे आगे हैं। हम कराची के इंतशार तकसीम, अगर कोई और पार्टी हमारी जगह ले चुकी होती तो खुदा की कसम मैं खालिद भाई, मुस्तफा भाई छोड़ें, किसी और ने हमारा खलापुर कर दिया। कराची का खलापुर नहीं हुआ, सियासी खलापुर नहीं हुआ, और ये खला सिर्फ लंदन वालों को गालियां देने से भी पुर नहीं होगा। ये खला अपने अमल से, अपनी यूनिटी से, अपने मुत्तहिद मुनज्जम और मुतहरिक होने से ये खला पुर होगा, वरना ये खला इस तरह पुर नहीं होगा। तो इसलिए मैं यहां बैठकर ये सारी बात कर रहा हूं। तालिबानाइजेशन का एक और चैलेंज है, याद करें एमकेएम का वो दौर जहां हम पर इतनी छाप लगी, ऐसे इल्जामात, आज हम सब मिल रहे हैं तो हमारे मुखालफीन कह रहे हैं कि ये फिर उसी दौर में ले जाने की बात है। भाई उस दौर से तो हमने 23 अगस्त को डिस्कनेक्ट किया, सिर्फ लंदन से डिस्कनेक्ट नहीं किया, हमने उस दौर से जो हमारी लेगेसी, जो हम पे छाप लगी थी, वो साबित हुई नहीं हुई अदालतों में, लेकिन हम आज ये दावा करते हैं कि जीरो टॉलरेंस फॉर क्राइम्स, जीरो टॉलरेंस फॉर वायलेंस, जीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी, जीरो टॉलरेंस फॉर एंटी स्टेट एंटी पाकिस्तान सेंटीमेंट एंड एक्टिविटी, इन सब के लिए हमारा जीरो टॉलरेंस हमारा है। अगर हमारी सभाओं में कोई ऐसी काली भेड़ हो तो हमारे साथ, जहां हमें मावनत चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए, सहूलत चाहिए, वो अगर वहां मिलती है तो हम इस पाकिस्तान को 22वीं नहीं 23वीं सदी में इंशाअल्लाह ताला ले जाएंगे। कराची के नौजवान ले जाएंगे, कराची के तलबा और तालबात ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। तालिबानाइजेशन आपने देखा केपीके में, बन्नू में क्या हुआ, आज बलूचिस्तान में क्या हाल है, वहां के एमएनएस एमपीएस तहरीक तालिबान पाकिस्तान को भत्ता देकर अपना काम चला रहे हैं। ये एक नई फरीद है जो वापस आई है, और फिर कराची में उन्हें दोबारा से अपना घर आबाद करने में कौन सी देर लगेगी। तो उनको भी मुंह अगर दिया था उस वक्त, तो ये इस मिडिल क्लास की रोशन ख्याल, ये जो लिबरल, जो ये सेक्युलर, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आम आदमियों की नौजवान, इसी ने मुंह दिया था। तो कल भी हमने मुंह दिया था इंतहा पसंदी दहशतगर्दी को, इंशाल्लाह हमें मुनज्जम मुत्तहिद और मुतहरिक होने दें, इंशाल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान से भी इस इफरीत को हम ख़त्म करेंगे। हमें 140 के तहत इख्तियार चाहिए, बल्दियाती वसाइल, और इख्तियार हमारा हक है, हमें मिलने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला किया, और इलेक्शन कमीशन कहता है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिलिमिटेशन करती है, ये रूल में उसका इख्तियार है। तो भाई जेरीमेंडरिंग सिर्फ डिलिमिटेशन में नहीं हुई, वाटर बोर्ड अगर बल्दियाती कानून से निकालकर 140A की खिलाफ वर्जी की गई, आइन की किसी शिक की खिलाफ वर्जी की गई, वो जेरीमेंडरिंग है। 140A के इख्तियार सूबे ने हड़प कर लिए, गस्प कर लिए, ये जेरीमेंडरिंग है। ये काबिलज़ इंतखाबात धांधली है, सिर्फ ये धांधली नहीं कि डिलिमिटेशन में 8000 का, 20000 का, 30000 का एक हलका और दूसरा 90000 का हलका, और बानिया ने पाकिस्तान की औलादों को यह बताया जा रहा है कि तुम्हारी गिनती नहीं होगी, मर्दुम शुमारी में तुम्हारी आबादी को जाहिर नहीं किया जाएगा, तुम्हें गिना नहीं जाएगा, तुम थर्ड रेटेड पाकिस्तानी नहीं, तुम चौथे पांचवें छठे दर्जे के पाकिस्तानी हो। ये अगर पैगाम दिया जाएगा तो ये असल में आज का चैलेंज है। और पूरे मुल्क की क़यादत कहाँ खड़ी है, पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, दंगल है पूरे मुल्क में, किसी को मईशत, महंगाई, बेरोजगारी, सब्जियां, दूध, गोश्त, आटा कहाँ पहुंच गया, सड़कें तो तबाह हैं, लेकिन ये मसाइल इनको कौन देखेगा, महंगाई को, बेरोजगारी को,
कोई इस पर बात नहीं कर रहा। फिर आटे का मसनूई बहरान, वो अलग अजाब बन के सर पे खड़ा। कतारें देखे किसी इलाके में, ये सिर्फ दही से मीरपुर खास नहीं है कि वहाँ कोई शख्स जहाँ भाग हुआ, ये हर जगह ये है। तो मीरपुर खास, हैदराबाद, नवाबशाह, सक्कर, ये तरक्की के इंजन हैं, इन्हें यरगमाल मत बनाओ। ये सिंध को भी आगे ले जाएंगे, ये पाकिस्तान को भी आगे ले जाएंगे। ये मैसेज हो, कराची को अपनी कानून, तुम अपने हारियों किसानों को अपनी जो है वो जाति मिलकर समझो, लेकिन आज से कराची, हैदराबाद, सक्कर को, नवाबशाह और मीरपुर खास को अपनी जाति मिलकर समझा, तो फिर हम भी फैसला कुन जद्दोजहद के लिए यहाँ बैठे। ये सिर्फ थियोरेटिकल नहीं है, अगर हमें निकलना है तो हम सिर्फ मोतबर, काबिल एतबार, काबिल कबूल लोगों को सामने ला रहे हैं, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह अगले 10 साल की क़यादत भी खालिद मकबूल भाई, मकबूल सिद्दीकी भाई की क़यादत में इंशाल्लाह ताला अपने बच्चों को भी जो है वो इंशाल्लाह ताला इस तहरीक की बागडोर, जमात की, तंजीम की बागडोर इंशाल्लाह उसके हवाले करेंगे। आखिरी बात यह कि सरफराज को तुमने कई बार आजमाया, सरफराज धोखा नहीं देता। हाँ, सरफराज धोखा खाता है, सरफराज ने धोखा खाया है। आज ही हम सबके यहां बैठने का मकसद यह है कि सरफराज जब धोखा नहीं देता तो आज यह फैसला कर रहा है कि अब सरफराज धोखा खाएगा भी नहीं, अब सरफराज धोखा नहीं खाएगा। उसकी बहाली हुई है, क्रिकेट की बहाली हुई है, इज्जत नफ्स की बहाली हुई है, आम आदमी की इज्जत नफ्स को बहाल करने हम यहां बैठे हुए हैं। दर बदर फिरने वालों, मेडिकल कॉलेज के एडमिशन, इंजीनियरिंग कॉलेज के, जो कुछ हमारे शहर के, हमारे बच्चों के, हमारे डोमिसाइल पे हमें नौकरियां ना मिले, दुनिया जहां को नौकरी मिले, वियतनामी, बर्मी, बंगाली, अफगानी कराची में, और कराची वाले कराची से आउट, ये नहीं होगा। हमें बताया जाए हमें पाकिस्तान में नहीं गिना जाएगा तो कहाँ गिना जाएगा, हमें ये बताया जाए। अगर पाकिस्तान में हमारी हल्का बंदियाँ सही नहीं होंगी तो हमें बताया जाए कि हमारी हल्का बंदियाँ कहाँ सही होगी। ये मेरा रियासत से भी सवाल है, हुकूमत से भी सवाल है, और अदालत से भी सवाल है। वाखिर दावाना अनिल, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।